और हमें ना रास्ते में लिफ्ट मिल गई थी, नहीं तो बहू रानी की हमने हालत खराब करनी थी पैदल चलते चलते। जी, ऐसे लग रहा है कि तो सालों से मिली नहीं है बेचारी, इतनी बातें। ये सैंडविच सुशांत का स्पेशल है। हेलो जी, नमस्कार माता दी, राम राम। हाँ सब कैसे हो? आइयो पापा अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट और साथ में दीदी जा रही है और वो रानी जा रही है, तो वो आगे चल, तो वो आगे जा चुकी हैं और मैं पीछे से जा रही हूँ। और बस का टाइम 9:20 पे है, तो इस वक्त शायद 9:10 हो रहे हैं। तो चलो मिलते हैं बाद में, क्योंकि चलते समय सांस भी फूल गई मेरी। साथ में दीदी जा रही है मार्केट और बहू रानी, अब तो बहुत फुर्ती मारी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी इसी रोड पे जो हम लोग बस लेंगे, तो इस वक्त टाइम 9:00 हो रहा है और यहाँ से बस जो है 9:20 पे जाएगी, यानी कि 9:00 से ज़्यादा ही हो गया है। तो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं आज। वैसे संडे है, मार्केट तो बंद होगी, और पहले जाएंगे हम लोग कैंटीन, क्योंकि कैंटीन का काम कंप्लीट करके आएंगे। पहले भी गई थी मैं कैंटीन, लेकिन उस टाइम ना टाइम जो है ज़्यादा हो गया था। संडे को गई थी काजल को छोड़ने के लिए, उस टाइम तो कैंटीन बंद हो चुकी थी। तो आज भी देखते हैं कैंटीन का सामान क्या क्या मिलता है और आगे क्या व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप बने रहना मेरे वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा से एक कमेंट जरूर कर दें। और ना आज बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है हिमाचल में, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मन भी नहीं कर रहा बाहर निकलने के लिए, लेकिन मजबूरी से निकलना पड़ता है बाहर। तो शायद पता नहीं क्या आ रहा है। तो ये देखिए, हमें ना पैदल आना पड़ा, बस नहीं आई। बस का वेट करते करते किए नहीं, वैसे हमने बस का वेट, हम सोचा रास्ते में मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल चलते हैं, जहाँ भी मिलेगी तो बस में बैठ जाएंगे हम लोग, लेकिन बस नहीं आई। अच्छा आज क्योंकि संडे है, संडे को बहुत कम बस जो है जाती है, तो अभी हम यानी कि पैदल ही पहुँच गए यहाँ पर। लेकिन ना बहू रानी का बुरा हाल है, हमें तो पता नहीं चला ना, हम दोनों बातें करते करते आ गए, और उसका तो पहली बार आना है। मैं भी ऐसे पैदल पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे रास्ते का पता था कि कहाँ पर है, कहाँ बस लेनी है। तो ये देखिए यहाँ का व्यू, इतना मस्त व्यू है, तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। और शायद मेरे को लगता है ना सूरज भी पड़ रहा है, हमारे फेस दिख भी नहीं रहे होंगे ढंग से, मुझे तो कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए बहू रानी बेचारी थक चुकी है और वो बैठ गई। निर्जा कैसा लगा पैदल आना? अब्बू बोलेगा मेरी मैडम तो पैदल ही चला दी इन्होंने। तो यहाँ देखिए कितना मस्त व्यू है सुबह सुबह मॉर्निंग का। तो यहाँ पर ना जो है हाफ एन आवर में बस चलती रहती है, लेकिन हमारे इस रोड में जो है ना यानी कि टाइम से बसें हैं, शायद मेरे को लगता 2 या 3 ही बसें हैं। देखिए हिमाचल का व्यू, पैदल चलना आगे। निर्जम पूरा मुंह बना रही, सासू जो है मुझे पैदल ही लेके जा रही है। तो एक ही मार्केट है, यानी कि निर्जा की भी वही मार्केट है, देरा में जाते हैं ना, तो हमारी भी वही मार्केट है। ये जहाँ भी कुछ भी शॉपिंग करनी है तो देरा मार्केट में ही करते हैं, तो इसका तो वैसे जानी पहचानी मार्केट है ना। न्यू नहीं, मैं सोचा न्यू होते तो इसको दिखाते ना हमारी मार्केट कैसे, लेकिन ये तो पहले से घूमी है। तो देखते हैं अभी बस कब आएगी यहाँ से, पहुँचेंगे अभी। कैंटीन का टाइम भी हो रहा है, 10 बजे खुलती है ना बस? नहीं 9 बजे, सब नंबर हो ही होगी, कितना बंद हो नहीं तो भीड़ हो जाएगी, हमारा नंबर पता नहीं कब पड़ेगा। तो देखते हैं अभी कब तक जो बस यहाँ से मिलेगी, तो कैंटीन तक पहुँच गए हम। देखिए हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं, देरा मार्केट में, तो अभी जा रहे हैं हम लोग कैंटीन। तो अभी हम यहाँ देरा मार्केट में पहुँच गए, आपने देखा ही है। और हमें ना रास्ते में लिफ्ट मिल गई थी, नहीं तो बहू रानी की हमने हालत ख़राब करनी थी पैदल चलते चलते। फिर नहीं वो आएगी मेरे हमारे साथ ही।
बोले कि ये तो मेरी रेल बना रही है पैदल चलते चलते। गिरजा हमारे साथ ना दूसरी बार आना छोड़ देगी, बोले ये पैदल लेके जाती है मेरे। तो भी हमने कैंटीन का सामान ले लिया और मैंने भूल गई थी वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने मुझे ये याद आया। तो सामान लेना तो इजी है लेकिन लेके जाने के लिए मुश्किल है, सामान लेके जाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए सबके थैले भरे हुए, मेरे दो हैं, काफी वेट है इसमें। और दीदी बोल रही मुझे भी, मेरे से उठाया जा रहा। और नया बैग लिया है ना, नए बैग में डाल दिया है, यानी कि पिट्ठू दिखाओ घूमो। ये देखिए अभी टैग भी नहीं निकाला उसका और उसमें सामान डाल दिया। मैंने भी लेना था लेकिन ना एक ही बिल में जो है एक ही कटेगा, तो फिर मैं दीदी को आप ले लो, मैं बाद में ले लूंगी फिर। अभी मैं और निर्जा जा रहे हैं मार्केट, बंद है लेकिन फिर भी मार्केट घूम के आते हैं। मुझे न्यूडल लेनी है और तो आइटम और लेना, देखते हैं अगर शॉप खुली होगी तो लेंगे। और दीदी को बैठा दिया हमने बस स्टॉप पे सामान लेके, सामान लेके ना शॉपिंग करना बहुत मुश्किल, बहुत भीड़ था। ये देखिए सारी मार्केट जो है बंद है। कुछ लेते हैं राशन का सामान। अभी हम बस में बैठ गए हैं, अभी जा रहे हैं। और सामान मैंने ले लिया था खाने के लिए, खाने के लिए। अच्छा ये देखिए निर्जा क्या खा रही है, दूसरा पैकेट शुरू हो गया मेरे को लगता है ना। तो ये देखिए पोंग व्यू रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो बच्चे जो इस रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, रिशु और सुशांत, निधि, सुनिधि, तो इन्होंने हमें इधर उतार दिया बस से। कहाँ कहाँ रास्ता है मैं। तो ये देखिए सब लोग आए हुए हैं तो यहाँ का व्यू देखिए, पोंग व्यू रेस्टोरेंट का, यहाँ से आउटर साइड का। तो ये देखिए कैंटीन का सामान यहाँ पर रखा है। निर्जु नया बंदा है ना इसलिए उसको दिया चूज करने के लिए। मोमोज को खाना होता है, मोमोज नहीं खाना है, मोमोज की मर्जी है अपने आप। तो ये देखिए बाहर की हवा ले रहे हैं, धूप घर सेक रहे हैं, कितना मस्त व्यू लग रहा है यहाँ से, मस्त जगह बनाया है रेस्टोरेंट। धूप सेक रहे, साथ में ठंड ठंडी हवा खा रहे हैं, कितने मस्त बैठे हुए सारे। देखो कोई देख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है ना पता नहीं कितने सालों के बाद मिली और बातें कर रही है। हेलो, ये देखो कितनी बिजी है, ऐसा लग रहा है कितने सालों से मिली नहीं है बेचारी, इतनी बातें हो रही है। मेरे फोन में लो ना, मस्त आ रही है ना हवा ठंडी ठंडी। ये देखिए कितना अच्छा मस्त व्यू है, ये देखिए कितनी मस्त व्यू है। ये रिवर है, ब्यास नदी है ये पास में, और साथ में रोड है, और यहाँ पोंग व्यू रेस्टोरेंट है। हिमाचल की हसीन वादियाँ। रेशु यार क्या है, इस वक्त हम लोगों ने आप खुद ही खाना बना लेना था।
इतना टाइम लग रहा है भूख और क्या, भूख से जान निकली जा रही। चूहे किस किस के पेट में कूद रहे हैं। करे जो डांड पौनी है था। देखते कितना मीठा होता है खट्टा ही खा लेंगे। दाम का खट्टा। रिशु इसको हटा फर्स्ट में। चलो नॉन वेज वाले एक साइड हो जाओ। तो ये तंदूरी रोटी है और ये पता नहीं क्या क्या है, ये जाने खाने वाले। ये सैंडविच सुशांत का स्पेशल है, हाँ पनीर सैंडविच। और ये देखिए और सैलेड, और ये कढ़ाई पनीर है ना। शुरुआत कर दी है सुशांत ने। तो ये देखिए हम लोग खाना लंच स्टार्ट कर दिया है। आइए आप भी हिमाचल के रेस्टोरेंट में खाना खाने आइए। तो देखते हैं कैसा बना है। ये कढ़ाई पनीर है, टेस्टी बना है। मासी कैसा बना है? और देखो मासी ने फटफट फेंक दी। ये देखियो जनवरी महीने का टाइम चल रहा है, भरपूर ठंडी है और कुल्फी और आइसक्रीम खाई जा रही है। अगर किसी ने ठाव ठाव की और सू सू की तो घर से बाहर निकाल देंगे। ये दादी माँ बोलेंगी और मैंने बोल दिया घर में, नहीं पता ना हमने आइसक्रीम खाई कुल्फी खाई। क्योंकि खाना खाने के बाद ना ठंडा ठंडा चाहिए। और स्पेशली पता बड़ा पापा, नहीं स्पेशली बड़े पापा क्या बोल रहे थे, आइसक्रीम पक्का खाना, आइसक्रीम पक्का खाना। तो रिशु को कर दिया फोन, बोला आइसक्रीम पक्का लेना, बोला करने आ गया है। तो हमने ले लिया, आइसक्रीम नहीं मिली लेकिन कुल्फी, तो कुल्फी खा रहे हम लोग भरपूर ठंडी में। बिखर मेरा बहुत दूर पे आंखी बंद हो रही है और नई बहू ना फुल एंजॉय ले रही है बिना दूल्हे से। मस्त आ रही, मस्त एंजॉय ले रही है। अब्बू देख ले मस्त एंजॉय कर रही है ये। हम जा रहे हैं घर खा पी के, आना है तो अभी आ तो गए ना, लेकिन जाना मुश्किल है। किस किस को लेके जाएंगे सुशांत और रिशु, तो हम लोग देखते हैं अभी बस जाएगी हमारे घर तक। तो हम बस में चले जाएंगे और आगे लेके चले जाएंगे फिर वो। तो यहाँ पर शॉप है, देखते हैं अभी थोड़ा सा, कहीं दुकान खुली नहीं थी ना देरा मार्केट में, तो यहाँ लोकल मार्केट में एक शॉप खुली है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रेडीमेड कुछ खरीदते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से पैदल चल रहे हैं, मैं और दीदी और सब बच्चे जो हैं स्कूटियों पे चले गए। और हम लोगों की बारी आई पैदल चलने की और रिशु ना आगे खड़ा वैसे लेने के लिए। मैं सोचा कि हम लोग शॉर्टकट आ रहे हैं तो आप उधर ही रुकना और यहाँ का व्यू देखिए। मैं ऊपर से दिखाना था आपको लेकिन रिशु का कॉल आ गया। फिर ये देखिए इतना मस्त व्यू है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये देखिए हिमाचली घर। और इस रोड से जो हम लोग जाएंगे अभी शॉर्टकट में आए हैं। दीदी का तो रोज का काम है पैदल आना, कभी कभी बस मिल जाती नहीं तो पैदल ही आना पड़ता दीदी को, दीदी को प्रैक्टिस आने का है ना है? संडे को ऐसे पैदल मार्चिंग करवा दी दीदी की, हर दिन तो रहता लेकिन आज संडे को करवा दिया। ये देखिए यहाँ घर होते एकदम कोले में बसे हुए हैं। ऐसा लगता जैसे पता नहीं कोले चलते थे कि क्या चलते थे उधर। और नाम भी हमारे इसका कोले डाला है, कोल ही यानी के
एकदम भी वो अच्छा लग रहा है। तो गेहूँ देखिए ऐसे ही तैयार हो गई यहाँ पर, लेकिन इस बार बारिश नहीं है ना तो गेहूँ बहुत कम है। बारिश हो जाती तो बहुत अच्छी गेहूँ आती। तो अभी सोच रहे हैं कि एक काम और निपटा लें घर पहुँचने से पहले, तो कहीं किसी के घर में जाना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं भी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। और देखिए ऋषि भी आ गया लेने के लिए।